के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा यूट्यूबर दीपिका पादुकोण के खिलाफ हो गया है, कौन से यूट्यूबर ने फ्लिपकार्ट को एक्सपोज कर दिया है और क्या जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोगों को स्कैम कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि फिजिक्स वाला ने अपने टीचर्स को कैसे एक्सपोज किया है और अमित भड़ाना ने अपने फ्यूचर को लेकर क्या नए प्लान्स रिवील किए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञान थेरेपी की, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही फ्लिपकार्ट को एक्सपोज किया है। ज्ञान थेरेपी ने कल एक ब्लॉग को शेयर किया है जिसमें उन्होंने फ्लिपकार्ट को फ्रॉड कहा। बात ये थी कि उन्होंने एक लैपटॉप को था ऑर्डर किया था, लैपटॉप का ऑर्डर कंफर्म हो गया था, डिलीवरी भी दिखा रहा था कि 3-4 दिन में इसकी डिलीवरी है, पर जिस दिन डिलीवर होने वाला होता है उस दिन वो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाता है। और जब ज्ञान थेरेपी फ्लिपकार्ट वालों को कन्फ्रंट करने लगते हैं तो वो उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं कि अब तो उसका जो लैपटॉप है उसका अमाउंट बढ़ चुका है। इसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो को शेयर किया और उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट ने ऐसा कई लोगों के साथ ऑलरेडी कर दिया है। अब बात करते हैं उन YouTube influencers की जिन्होंने लोगों को स्कैम कर दिया। एक फाइनेंस रिलेटेड इवेंट था स्टार्टअप्स के लिए जिसमें उन्हें ये बोला गया था कि कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके लिए आने वाले हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, जितने भी स्टार्टअप्स हैं। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी क्योंकि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इस इवेंट को शेयर कर दिया था। इस इवेंट में ये भी बोला गया था कि सुंदर पिचाई भी आ सकते हैं, जिसको लेकर स्टार्टअप्स वालों की होप बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ऐसे ही रजिस्टर करते करते ऑर्गेनाइजर्स के पास 50 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठा हो गए थे, पर जब वो लोग इवेंट पर पहुंचे ना तो वहां कोई इन्वेस्टर था ही नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा गेस्ट आया ही नहीं, जिसके बाद लोगों ने वहाँ पर पुलिस बुला ली थी ऑर्गेनाइजर्स के लिए। और ये स्कैम उन यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स पे भी भारी पड़ गया है जिन्होंने ऑडियंस को वो शेयर किए थे। दीपिका पादुकोण एक फ्यूनरल पर पहुंची हुई थी जहां पर उनकी ना हंसते हुए क्लिप्स शेयर हो गई, स्निपेट शेयर हुए, फोटोग्राफ्स लोगों के पास वायरल हो गई, जिसको पीपॉय ने शेयर किया और अपने ट्विटर पर शेयर भी कर दिया कि ऐसे रिएक्शन वो भी फ्यूनरल पर। जिसके बाद दीपिका पादुकोण के जो फैंस है वो डिफेंड करने आ गए हैं उनको और पीपॉय को काफी ज्यादा हेट भी दे रहे हैं कि आप हर किसी के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और आप उनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि फिजिक्स वाला ने कैसे अपने टीचर्स को एक्सपोज कर दिया। फिजिक्स वाला और उनके टीचर्स की कॉन्ट्रोवर्सी काफी लंबे समय से चल रही है, हमको पता ही है, टीचर्स छोड़कर भाग गए हैं, दूसरा उन्होंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, फिर उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसको लोग तमाशा भी कह रहे हैं। अब फिजिक्स वाला के जो हेड हैं उन्होंने इंटरव्यू शेयर किया है मनी कंट्रोल के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो टीचर्स हैं इन्होंने साइनिंग अमाउंट ही 1.5 करोड़ रुपए ले लिया और इनका जो पर एनम का पैसा है वो है 5 करोड़, और इवन इन्होंने मल्टी ईयर डील साइन की है वो भी 20 करोड़ तक, जिसके बाद लोग अब उन टीचर्स पर करने लगे हैं। अब बात करते हैं अमित भड़ाना के फ्यूचर प्लान्स की। अमित भड़ाना ने ना कल बहुत इमोशनल होके इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी कि पहले ऐसे वीडियोस होती थी, अब एक एक घंटे की वीडियोस होती हैं, पहले लोगों के पास चॉइस नहीं होती थी, अब लोगों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, जिसकी वजह से उनकी जो वीडियोस के व्यूज है ना वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर वो खुश हैं, उनको जितना भी ऑडियंस से प्यार मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। उन्होंने 2 वीडियोस पर भी काम कर लिया, उनके यूट्यूब चैनल के लिए, उनके यूट्यूब चैनल की वेब सीरीज भी आने वाली है और वो जल्द ही आप सभी को OTT पर भी दिखने वाले हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं अमित भड़ाना के इन सभी न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।